हे गाइस, स्वागत है आपका द फिजिक्स कोचिंग में। हम पढ़ रहे हैं क्वांटम फिजिक्स, और तो ये आज पहली ही क्लास है। आज हम पढ़ेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे क्वांटम मैकेनिक्स इतना बड़ा हुआ। तो आज उसके बारे में हम सारी बातों का अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जाके आप क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, या फिर प्ले स्टोर से आप टेलीग्राम ग्रुप डाउनलोड करके लिंक से आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम का मतलब क्या है? क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहे हैं लेकिन क्वांटम का मतलब भी तो पता होना चाहिए। तो क्वांटम का सीधा सा मतलब ये है कि स्टडी ऑफ एटम या स्टडी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जब भी हम एटम या सब एटॉमिक पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं, तब हम उसमें उनकी एनर्जी, मोस्ट ऑफ एनर्जी के बारे में बात करते हैं। उनका ओरिएंटेशन क्या है, स्पिन क्या है, इन सब की स्टडी के लिए एक नया फील्ड जनरेट हुआ जिसे हमने क्या कहा, क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। अब क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत कहाँ हुई? क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत जो हुई थी वो सेकंड हाफ ऑफ 19th century थी, सेकंड हाफ, ठीक है। तो उस टाइम लोग ये सोचते थे कि जो अब जितना अचीव हो चुका है ना क्लासिक मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, जितना अचीव हो चुका है उतना ही अचीव होगा, इससे आगे शायद ही कोई डिस्कवरी हो, कोई एक दो कॉन्सेप्ट और आएंगे और अब फिजिक्स का ये अंत है, दी एंड। लेकिन ऐसा नहीं था। उस टाइम एक ब्लैक बॉडी जानते हैं ना आप, ब्लैक बॉडी ऐसा एक ऐसी बॉडी होती है जो रेडिएशन का कंप्लीटली अब्जॉर्प्शन यानी कि पूर्णतः अवशोषण कर ले, और कंप्लीट इमिटर यानी कि पूर्णतः क्या करती है, रेडिएशन को इमिट भी करती है 100%। तो इस तरह की एक बॉडी थी, अब उसकी स्टडी कर रहे थे, लेकिन उसके लिए कोई परफेक्ट आंसर या मिल नहीं रहा था, उसका एक्सप्लेनेशन, सही एक्सप्लेनेशन उसका मिल नहीं रहा था। कई वैज्ञानिक उसमें लगे हुए थे, जिसमें वीन था, जिसने वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ दिया, और रेले और जीन्स नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लेन किया था, ब्लैक बॉडी को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन पूर्ण कंप्लीट जो एक्सपेरिमेंटल डाटा थे उसके हिसाब से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्योंकि अगर एक में आ रहा था कि जो लेमडा, अगर लेमडा कम के लिए वैलिड है, दूसरा साइंटिस्ट का था लेमडा मैक्सिम, लेमडा हाई के लिए वैलिड है, लेकिन कंप्लीट उसका सॉल्यूशन मिल नहीं रहा था। तो ये सब जो समझा रहे थे, ये सब क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था। क्योंकि एनर्जी उस टाइम तक कंटिन्यूस एनर्जी की सब बात करते थे, डिस्क्रीट एनर्जी की कोई किसी ने बात नहीं की थी। हालांकि हर्ट्ज था, हर्ट्ज भी 1887 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का उसने ऑब्जर्वेशन किया, लेकिन वो समझा नहीं पाया। वो भी एनर्जी को कंटिन्यूस एनर्जी मान रहा था, तो उसके हिसाब से उसको समझा नहीं पाया। फिर बात आई 19th century की, 19th century खत्म हो गई, 20th century शुरू, यानी कि सन 1900 में शुरुआती दौर में मैक्स प्लांक ने
इसे समझाने की कोशिश की। तो मैक्स प्लैंक ने एक पोस्टुलेट दिया, क्या दिया उन्होंने, कि जो एनर्जी है ई वो कुछ क्वांटाओं के रूप में है, एनर्जी कुछ क्वांटा के रूप में है जिसको हम कहेंगे एच न्यू, एच न्यू को एक क्वांटा कहेंगे और एन क्वांटा हो तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, ई बराबर एन एच न्यू। जो उन्होंने एनर्जी, तो मैक्स प्लैंक ने जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बताया ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, तो उन्होंने एनर्जी को क्या माना, डिस्क्रीट माना, यानी कि उन्होंने एनर्जी को किसी एक क्वांटा से मिलकर बताया जो, ठीक है, तो जो रेडिएशन आ रही थी वो ई बराबर एन एच न्यू की थी। अब उसके पाँच साल बाद क्या हुआ, 1905 में आइंस्टीन ने जो मैक्स प्लैंक थे उनके कॉन्सेप्ट से, हालांकि उनके कॉन्सेप्ट से प्रॉपरली नहीं कहेंगे, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट से उन्होंने क्या ली, इंस्पिरेशन ली और लाइट को समझाने की कोशिश की, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को उन्होंने क्या किया, एक्सप्लेन किया। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को उन्होंने क्या कहा कि जब एक मेटल पे लाइट आती है, मान लो ये मेटल सरफेस है, इस पे ये लाइट आई, ठीक है, तो इस लाइट के आने से यहाँ से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, इमिशन हुआ। इस इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा तो वो कैसे होगा, इसको उन्होंने प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया। इन्होंने क्या क्या कहा कि लाइट आएगी ना, उसकी एनर्जी फोटोन में होगी, यानी कि उन्होंने कहा कि लाइट है ना वो फोटोन से मिलकर बनी हुई है और एक फोटोन की एनर्जी है ना वो एच न्यू है, ठीक है, और लाइट एन एच न्यू से मिलकर बनी हुई है तो एनर्जी क्या हो जाएगी, एन एच न्यू। अगर लाइट में एन फोटोन है तो एनर्जी एन एच न्यू हो जाएगी। ये भी क्या था, डिस्क्रीट, और ये भी क्या करता है, रेडिएशन के पार्टिकल नेचर यानी या फिर लाइट के पार्टिकल नेचर की व्याख्या करता है, ठीक है। फिर आए 1905 के बाद 1923 में आए थे कॉम्पटन, लेकिन उससे भी पहले, कॉम्पटन से भी पहले आए नील्स बोर 1911 में नील्स बोर, जो कि रदरफोर्ड थे, साइंटिस्ट रदरफोर्ड, जिन्होंने न्यूक्लियस को समझाया था, न्यूक्लियस की खोज की थी, उनके ही क्या थे, स्टूडेंट थे। उन्होंने क्या कहा, जो जिन्होंने रदरफोर्ड ने एटम को वो समझा नहीं पाए थे कि ये स्टेबल कैसे है, तो नील्स बोर ने उसको समझाया कि जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों में एक डिस्क्रीट एनर्जी फॉर्म में रहते हैं, डिस्क्रीट एनर्जी फॉर्म में रहते हैं। फिर उन्होंने भी एनर्जी को क्या माना, डिस्क्रीट माना, और फिर उसको आगे एक्सप्लेन किया। उन्होंने क्या कहा कि जो एटम में जो ऑर्बिट्स है वो एक स्पेशल एनर्जी लेवल्स पे रहते हैं और वो जो ऑर्बिट्स हैं वो क्या है, स्टेबल है, ठीक है। फिर 1923 में कॉम्पटन आए और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जब एक इलेक्ट्रॉन है और उस पे कोई एक्सरे होती है, कोलिजन होता है, जब एक्सरे पे इलेक्ट्रॉन और एक्सरे का कोलिजन होता है तो जो इमिटेड फोटोन है, एक्सरे का इमिटेड फोटोन है, उसकी जो लेमडा है ना वो कुछ क्या होती है, बढ़ी हुई प्राप्त होती है, ठीक है। और इन्होंने भी है ना जो एनर्जी जो रेडिएशन थी उसको भी क्या माना, पार्टिकल नेचर माना, और इसको एक्सप्लेन करने की क्या की, कोशिश की। फिर 1927 में डेविसन एंड जर्मन ने प्रयोग किया
और इसके पार्टिकल नेचर की व्याख्या कर दी, और आइंस्टीन के एक्सपेरिमेंट को भी कंप्लीटली समझा दिया। फिर 1924 और 1925 के बीच हाइजेनबर्ग एंड श्रोडिंगर ने क्वांटम मैकेनिक्स को समझाने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट दिए। हाइजेनबर्ग ने उनको मैट्रिक्स के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और श्रोडिंगर ने उनको वेव मैकेनिक्स के द्वारा समझाने की कोशिश की, और अब हम आगे इसको उन्हीं का अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आज की पीडीएफ की लिंक टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर लेना। ठीक है, चलिए आगे आज स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये क्या, कौन से नेचर की व्याख्या करता है? पार्टिकल नेचर की व्याख्या करता है। क्वांटा ऑफ लाइट क्या होगा? फोटोन। ठीक है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन क्या होगी? ई बराबर एच न्यू, और जहां एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। जिन्होंने क्वांटा दिया था उस क्वांटा में एच प्रोपोर्शनल ई बराबर एच न्यू दिया था, तो वो एच उन्हीं का कांस्टेंट है। जब प्लैंक ने इसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाया था और एक्सपेरिमेंटल डाटा के साथ उन्होंने 0.05% एरर के साथ समझा दिया था, यानी कि इतनी बड़ी एक्यूरेसी के साथ उन्होंने समझाया था, सिर्फ एरर 0.05% ही आ रहा था, तो ये बहुत बड़ी बात थी उस टाइम में। और प्लैंक ऐसा सोचते थे कि उन्होंने जब जो ई बराबर एच न्यू दिया था ना, ई बराबर एच न्यू क्वांटा के लिए, एक क्वांटा की एनर्जी ये होती है, तो उन्होंने सिर्फ एक्सपेरिमेंटल डाटा के थ्रू एजम्पशन माना था कि हाँ इससे इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिल रहा है तो एनर्जी ये होगी, लेकिन उनको इनके इसके पीछे फिजिक्स क्या है ये उनको नहीं पता था, बस इस बात से वो थोड़ा दुखी थे। फिर आइंस्टीन ने इसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दिया था 5 साल बाद कि हाँ ये कुछ ऐसे से होता है। ठीक है, अब चलें आगे। प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन, अब फोटोन की प्रॉपर्टी क्या है ये अपने को जानना जरूरी है। मास क्या होता है फोटोन का? फोटोन का मास होता है 0। चार्ज क्या होता है फोटोन का? 0। क्वांटम नंबर क्या होता है फोटोन का? 0। डोंट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब हम किसी चीज को मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, अगर उस पर चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा डिस्ट्रैक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे तो कोई चार्ज ही नहीं है तो डिफ्लेक्ट होने की कोई बात ही नहीं। इसकी एनर्जी अपन E बराबर PCB लिख सकते हैं। ठीक है, और इसे वर्चुअल पार्टिकल भी कहते हैं, कॉल्ड एज ए वर्चुअल पार्टिकल। डेफिनेशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है, फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द मेटल व्हेन दे आर एक्सपोज टू लाइट ऑफ सूटेबल फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब दो बात है इसमें, सूटेबल फ्रिक्वेंसी क्या है, ठीक है, और इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय के सेल इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इमिशन है वो कहाँ से होना चाहिए? वो बाह्यतम कोष यानी कि सरफेस से होना चाहिए। ठीक है, और सूटेबल फ्रिक्वेंसी से क्या मतलब? इससे मतलब ये है कि एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी चाहिए आपको इलेक्ट्रॉनों का इमिशन करने के लिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या किससे कनेक्ट होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से या फिर अपन कहें न्यूक्लियस से अट्रैक्टिव फोर्स से कनेक्ट होता है,
और दूसरे एटम के भी न्यूक्लियस से थोड़ा कनेक्ट होता है, ये अपने वांडरवाल्स फोर्स पड़े ना वहाँ से, तो उन फोर्स को तोड़ने के लिए या फिर उन फोर्स या उन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अपने को कुछ एनर्जी चाहिए, ठीक है। अगर उससे कम एनर्जी का अपन रेडिएशन डालेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का क्या इमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो उससे अधिक अपने को फ्रिक्वेंसी की एनर्जी डालनी पड़ेगी, तब जाके कोई इलेक्ट्रॉनों का इमिशन होगा। और इस जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी होगी उसको हम क्या कह देंगे, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, ठीक। इतनी बात समझ में आई, चलिए आगे देख लेते हैं। ये एक्सपेरिमेंट स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको, 1887 में किसने किया था, हेड्ज ने एक्सपेरिमेंट किए थे। हालांकि उन्होंने सारी डिटेल निकाल ली थी इसके रिलेटेड, एनर्जी का रिलेशन, इंटेंसिटी का रिलेशन, ये सब उन्होंने निकाल लिया था, करंट और इंटेंसिटी का रिलेशन ये उन्होंने निकाल लिया था, लेकिन कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे क्योंकि उनके पास एनर्जी वो कंटिन्यूस मान रहे थे और एनर्जी यहाँ पे क्या निकली, डिस्क्रीट निकली, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट उनका हो गया। आगे चलते हैं, आगे इसका करेक्टिक्स क्या है, करेक्टिक्स इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन जब होगा तो क्या होना चाहिए, इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा या बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर होगी तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएगी, बस इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर ही आएगा लेकिन कहीं जा नहीं पाएगा। अगर उससे ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को कुछ काइनेटिक एनर्जी भी मिल जाएगी। तो ये मैंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो आपको बता ही दिया, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो सके, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मान लो सरफेस ये है, हमने एच न्यू एनर्जी दी, ठीक है, एच न्यू एनर्जी दे दी। अब एच न्यू एनर्जी देने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या किसके बराबर हो जाएगी, एच न्यू इक्वल टू टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, ओके। लेकिन माइनस माइनस नहीं सॉरी प्लस प्लस, पहली कुछ एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी में खर्च हो गई, लेकिन कुछ एनर्जी जो वो अट्रैक्टिव नेचर के फोर्स हैं उनको तोड़ने में भी तो को लगेगी, तो उसे हमने कह दिया फाई, जो क्या है, वर्क फंक्शन। उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो कार्य किया हमने, उसको हमने वर्क फंक्शन कह दिया, तो ये इसके बराबर होगी। अब काइनेटिक एनर्जी अपने को निकालनी है तो ये फाई यहाँ आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो गई, के मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई, ओके। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, वर्क फंक्शन इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। तो वर्क फंक्शन क्या है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए कम से कम एनर्जी है, वो क्या कहलाएगी, वर्क फंक्शन, जिसे हम क्या कह देंगे, फाई इक्वल टू एच न्यू नोट, ठीक है, जहाँ वर्क फंक्शन हो गया फाई। फॉर मेटल, मेटल के लिए जो फाई की वैल्यू है वो 2 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक वेरी करती है। अब फाई तो क्या हो गया, हर एक मेटल के कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी के, जिसे हम एच ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू नॉट के रूप में भी लिख सकते हैं, जो यहाँ लिखा हुआ है। अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ये भी बात अपने को समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अपन उसकी ही बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का इजेक्ट करेंगे क्या, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, डी क्यू अपॉन डी टी अपने को पता है। अब मान लो एन ई इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है, एन ई इलेक्ट्रॉन निकल रहे तो ई तो कांस्टेंट हो जाएगा, डी एन अपॉन डी टी। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है
फोटो करंट है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, वो है कि जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं और फोटोन आता है, जैसे ही मान लो, पहले मैं बोल देता हूँ, नो टाइम डिफरेंस बिटवीन द इंसिडेंट रेडिएशन एंड इजेक्टेड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जैसे मान लो ये यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये मेटल है, ये मेटल से ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे ये कई सारी फोर्सेस से जुड़ा हुआ, लेकिन जैसे ही एच न्यू आया, इससे टकराया, टकराने के तुरंत बाद इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, इसके बीच में कोई टाइम लैप नहीं होगा, कोई टाइम गैप नहीं होगा। ओके, अब स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके बराबर होगा, मान लो ये तो ये अपना ये वो ट्यूब है जिसके अपन प्रैक्टिकल कर रहे हैं, यहाँ से लाइट आ रही है, इस पर गिर रही है, ये अपने वोल्टेज लगा दिया और इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक बात। अब मैंने यहाँ पे कुछ इसके विपरीत, मान लो यहाँ प्लस है तो यहाँ मैंने क्या लगा दिया, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ पे भी मैंने माइनस, यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया या कुछ ऐसे ऐसे, तो मैंने इससे विपरीत यहाँ पे क्या लगा दिया, पोटेंशियल लगा दिया, तो इलेक्ट्रॉन जहाँ आएगा, और यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ से भी क्या हो रहा है, नेगेटिव नेगेटिव, तो रिपल्शन होगा, इस इलेक्ट्रॉन का भी क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो ये इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। तो वो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है, जो अपन ने पोटेंशियल लगाया उसके बराबर हो जाएगी, ठीक बात। वो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोवोल्ट के बराबर हो जाएगी तो अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई वी इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई, तो वी किसके इक्वल हो जाएगा, एच न्यू अपॉन ई माइनस फाई अपॉन ई, ठीक बात। एच सी अपॉन ई लेमडा माइनस फाई अपॉन ई, ठीक बात। आगे चलें, चलो अगला पेज है इनके बीच में रिलेशंस का, रिलेशंस क्या है, अब इंटेंसिटी इक्वल टू पावर अपॉन एरिया, अब पावर किसके बराबर होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी क्या लिया अपन ने, एन एच न्यू, तो इंटेंसिटी बराबर किसकी हो गई, एन एच न्यू अपॉन एरिया अपॉन एरिया इंटू टाइम, ठीक है। अब देखो हम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, ठीक बात। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस फाई, ठीक बात। अब देखो आपने लाइन की इक्वेशन तो पढ़ी होगी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ m इससे कंपेयर करेंगे तो m क्या आ जाएगा, h, m क्या होता है, स्लोप, तो स्लोप क्या हो गया लाइन का, h, ये क्या है, कांस्टेंट, तो फाई क्या हो गया, कांस्टेंट, ये वाला क्या हो गया, कांस्टेंट, और y किसके प्रोपोर्शनल है, x के, तो काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल हो गई, फ्रीक्वेंसी के, ठीक बात, समझ गए, चलो बढ़िया, समझ गए, तो कुछ नहीं समझा है तो कमेंट कर देना। अगला ये देखेंगे, ये वाला, ये रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी के बीच, ठीक बात। अब काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी के बीच में स्ट्रेट लाइन है, यानी कि इंटेंसिटी चाहे आप कितने ही बढ़ा दो, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है एच न्यू के, यानी कि एनर्जी के, जो अपन इंसिडेंट एनर्जी
डाल रहे हैं रेडिएशन, हम जब तक हम रेडिएशन की एनर्जी नहीं बढ़ाएंगे तब तक काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी। इंटेंसिटी आप सही कितनी बढ़ा दो, ठीक है। और ये सब हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट से पता कर लिए थे। अगला है वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के बीच। तो वोल्टेज किसके बराबर होता है? एच न्यू अपॉन ई, तो प्लस माइनस फाइव अपॉन ई। अब वाई बराबर क्या होता है? एम एक्स प्लस सी, ठीक। तो एम क्या हो गया? एच अपॉन ई, और जो यहाँ बच गया वो क्या होगा? इसका कांस्टेंट, ठीक बात। चलें आगे। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या? एप्लीकेशन हो गई फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाने में, सेंसर बनाने में, ठीक है, और वोल्टाइक सेल हो गया, एलडीआर हो गया, ये सब बनाने में काम में लेते हैं। अब हो गए इम्पोर्टेंट पॉइंट। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या है? फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज क्या होती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अर्थात अर्थात ध्यान देना, अर्थात वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके नीचे इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होता, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक बात। चलें दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट है कि एनर्जी जो अब्सॉर्ब्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड इन, जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने अवशोषित की है वो जो मेटल को छोड़ के जाएगा इलेक्ट्रॉन, एक तो उसको छोड़ने में मदद करेगा और प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेगा, इन दो में ही यूज होती है और कहीं यूज नहीं होती, इन दो ही कामों में उसकी एनर्जी यूज होती है और 100% फोटोन का अब्सॉर्प्शन होता है, 100% कहीं साइड में कहीं यूज नहीं होता इन दो के अलावा, ठीक बात। और जो इलेक्ट्रॉनों का इमिशन है वो कहाँ से होना चाहिए? सरफेस से होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम सरफेस, ठीक बात। अब ई बराबर एच न्यू, न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा, तो वन अपॉन लैम्डा न्यू बार, तो इसकी जूल में, ये हर्ट्ज में, ये एंगस्ट्रॉम या फिर नैनोमीटर में, ये पर सेंटीमीटर या पर मीटर में, ठीक बात। आगे चलते हैं। इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटोन इज कंप्लीटली अब्सॉर्ब, मैंने कहा था ना 100% अब्सॉर्ब होता है, ठीक बात। एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन आर इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, यानी कि एनर्जी ऑफ मोमेंटम, एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन आर इंटेंसिटी के, इंटेंसिटी मीन नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया, और एनर्जी और मोमेंटम मीन्स वन फोटोन में ज़्यादा एनर्जी, समझे बात, मतलब फ्रीक्वेंसी उसमें एक फोटोन में ज़्यादा है, और इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है हम एनर्जी हर फोटोन की सेम ही रखने हैं लेकिन फोटोन की संख्या बढ़ा रहे हैं, ठीक बात। तो इंडिपेंडेंट हो गई। इन फोटोन पार्टिकल कोलिजन द टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व्ड, यानी कि हम बचपन से पढ़ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं एनर्जी कंजर्व, मोमेंटम कन्वर्ज, एनर्जी कन्वर्ज, मोमेंटम कन्वर्ज, तो यहाँ पे भी सही लगेगा। आठवां पॉइंट है, क्या है आठवां पॉइंट? आठवां पॉइंट है कि द फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन, जो फोटोन और इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होता है तो क्या होता है? हमेशा एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा, ठीक बात। एक फोटोन इक्वल टू एक इलेक्ट्रॉन, ठीक बात।
चलें नेक्स्ट, अगला पॉइंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो न्यूमेरिकली किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी के, क्योंकि फाइव तो 2 से 6 इलेक्ट्रोवोल्ट के बीच में मेटल्स के लिए वेरी करता है, ठीक बात, तो ये इतना कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं करता, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी के न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट माना कि नगण्य है। मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन p बराबर, हमने स्टार्टिंग में ही देखा था e बराबर pc, ठीक, तो e बराबर pc, तो p बराबर e अपॉन c, e बराबर h न्यू, तो p बराबर h न्यू अपॉन c बराबर h अपॉन लेमडा। अब इससे कुछ आपको याद आया h अपॉन लेमडा से तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, नहीं आए तो भी बताना, ठीक है। ब्राइट मोनोक्रोमेटिक लाइट, ब्राइट मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब क्या है, ब्राइट मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब है मोर फोटोन पर एरिया, मतलब छोटे से एरिया में ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ठीक बात, ज्यादा फोटोन, सॉरी ज्यादा फोटोन, नॉट मतलब एनर्जी, नॉट मतलब पर फोटोन एनर्जी ज्यादा हो गई, ऐसा कुछ नहीं। इंक्रीजिंग इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन मींस मोर फोटोन पर यूनिट एरिया, इंटेंसिटी का मतलब भी यही होता है मोर फोटोन पर यूनिट एरिया, तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि मैंने इसकी एनर्जी बढ़ा दी, ना ना ना। और आज का हमारा लास्ट पॉइंट है, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ऑफ मरकरी कितना है, 4.475 इलेक्ट्रो वोल्ट, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी बता देना, लाइक भी कर लेना और शेयर भी कर लेना, और अपने फिजिक्स दोस्तों के साथ क्या करोगे, शेयर करोगे ना, हाँ तो शेयर कर लो, और कमेंट करके ज़रूर बता देना कैसी लगी क्लास। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।